बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रेक्टिफिकेशन मींस लेंथ ऑफ प्लेन कर्व चैप्टर से है। शो दैट आर्क ऑफ अपर हाफ ऑफ द कर्व कार्डियोइड है ये आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा इज बाइसेक्टेड बाई थीटा इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। तो यहाँ पर जो कर्व है, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं कि किस तरीके का है। गिबन कर्व का इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ गिबन कर्व। कर्व का इक्वेशन हमको दे रखा है आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर वन डाल देते हैं। आर और थीटा में जो भी कर्व का इक्वेशन होता है उसे पोलर इक्वेशन कहते हैं। पोलर इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है एक पोल जो ओरिजिन के इक्विवेलेंट होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 यानी ये आर की वैल्यू होती है, ये थीटा की वैल्यू होती है, और इस लाइन को कहते हैं इनिशियल लाइन जो एक्स एक्सिस के इक्विवेलेंट होती है, इसको थीटा इज इक्वल टू 0 कहते हैं। और इस प्लॉट को, इस कर्व को जो हम लोग प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से आता है। अभी हम थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू लाइन और ड्रा कर देते हैं जो बाइक्सिस के इक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ पर एक कर्व बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस है तो निगेटिव डायरेक्शन में इसका पोर्शन ज़्यादा होता है। इस तरीके से ये बनता है और कार्डियोइड है ये। ये डिस्टेंस 2a के इक्वल होती है, ये a होती है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें बताना है कि एक लाइन थीटा इज इक्वल टू जो 2π/3 है वो इसको दो पार्ट में बांट देती है, यानी थीटा इज इक्वल टू π/2 इसको दो पोर्शन में बांट देगी। तो उसका अपर जो पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ कार्डियोइड, यानी अपर पार्ट ऑफ कार्डियोइड कितना होगा, अपर हाफ ऑफ द कर्व दिस। तो अपर हाफ का मतलब होगा यहाँ ओ से शुरू करें और इस तरीके से हम चलें, इस पॉइंट से होते हुए ऐसे यहाँ इस पॉइंट तक देखें। इस पॉइंट का नाम अगर हम ए बोल दें तो ओ से लेके ये ए तक जो होगा, इस अपर हाफ को ये थीटा इज इक्वल टू 2π/3 मीन्स 120 डिग्री, ये वाला पॉइंट होगा, यानी 90 से 30 ज़्यादा, इधर से 60, तो ये वाली लाइन होगी थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो हमें ये प्रूव करना है कि कार्डियोइड का जो अपर हाफ है, यानी शो दैट आर्क ऑफ द अपर हाफ ऑफ द कर्व दिस इज बाइसेक्टेड बाई थीटा इज इक्वल टू 2π/3, यानी जितना ये आए उतना ही ये आए, दोनों वैल्यू इक्वल आए। तो इसलिए हम लोग इस लेंथ को पहले फाइंड करेंगे या इस लेंथ को। तो इस जब हम लेंथ आर्क की लेंथ पता करें और हमारा कर्व का इक्वेशन पोलर फॉर्म में हो तो हमें आर के साथ साथ ज़रूरत पड़ती होती है डी आर ओवर डी थीटा की। तो इसलिए इस वैल्यू को फाइंड करना होगा हमें, यानी हमें आर को डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा। इक्वेशन नंबर वन से आर की वैल्यू है ए वन माइनस कॉस थीटा। तो इक्वेशन नंबर वन का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, लिख सकते हैं आप, ए को बाहर ले लेंगे, कॉन्स्टेंट है, और हमें डिफरेंशिएट करना होगा वन का जो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ये वैल्यू जो आई है अभी हमने फाइंड की है वो डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू आई है। अब हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड जो करना है उसका फार्मूला लिख सकते हैं, और लिमिट लगा के हम ओ से लेके ये कर्व के लॉन्ग जब चलेंगे इस बी पॉइंट पर से होते हुए इस पॉइंट पर, माना ये पॉइंट पी ले लेते हैं, तो ये आर्क ओ बी पी हम निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लें आर्क
ओ बी पी आर्क है। ओ बी पी का मतलब ये, चूँकि यहाँ से शुरुआत हो रही थीटा इक्वल टू ज़ीरो से, और थीटा इक्वल टू हमें ये लिमिट इसकी थीटा इक्वल टू ज़ीरो और थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री के बीच इतनी आर्क है, तो लिमिट हम यहाँ पर थीटा की पता चल चुकी है। आर्क का फार्मूला जो है, तो आर्क ओ बी पी की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू ज़ीरो से लेके टू पाई बाई थ्री यूज़ करेंगे, और इसका आर्क का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी थीटा। यहाँ पर आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से और डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें ये लेंथ पता चल जाएगी जो थीटा इक्वल टू ज़ीरो से थीटा इक्वल टू टू पाई बाई थ्री के बीच की लेंथ है। तो ज़ीरो टू टू पाई बाई थ्री स्क्वायर रूट आर की जो वैल्यू है वो रख दें यहाँ पर ए वन माइनस कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू है ए साइन थीटा इसका होल ऑफ स्क्वायर डी थीटा। अब इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और इस ब्रेकेट का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख रहे हैं, लिमिट यहाँ पर ज़ीरो से टू पाई बाई थ्री के बीच में है, स्क्वायर रूट ये लगा हुआ है, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट है वन माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और इसी तरीके से दर स्क्वायर करेंगे तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट्स इस स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर ले लेंगे, यानी ज़ीरो टू टू पाई बाई थ्री, और ए स्क्वायर को हमने यहाँ से बाहर ले लिया तो हमारे पास बचा है ब्रेकेट में वन माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रेकेट क्लोज डी थीटा यहाँ पर बाहर लिख दिया हमने। इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे साथ में देख रहे हैं ए स्क्वायर से ए बाहर हो जाएगा, तो ज़ीरो टू टू पाई बाई थ्री ए हमने स्क्वायर रूट से ए को बाहर कर लिया, यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे वन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर और माइनस दोनों को इंटू का ट्वाइस टू इंटू वन इंटू कॉस थीटा प्लस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा इजिकल टू ए इंटू में है तो इसको यहाँ से ले लेंगे बाहर, ज़ीरो टू टू पाई बाई थ्री स्क्वायर रूट वन का स्क्वायर वन हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने इस स्टेप में कुछ भी नहीं किया है और हमें करना चाहिए था ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है, वन कर देना चाहिए था। ज़ीरो टू पाई बाई थ्री अगले स्टेप में अब कर देंगे, ये वाला वन तो लिख दें और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर वन एक साथ इकट्ठा करना चाह रहे थे हम, तो इन दोनों को लिख देना चाहिए था, फिर उसके यहाँ पर वन कर देते। माइनस का टू कॉस थीटा ये बचा हुआ उसको लिख दिया, और ये इंटीग्रेशन रन रूट का साइन यहाँ ख़त्म डी थीटा, और ये टू हो जाएंगे ए ज़ीरो टू टू पाई बाई थ्री, यानी ये वैल्यू हो जाएगी टू माइनस टू कॉस थीटा डी थीटा। टू को यहाँ से बाहर ले लेंगे, लिमिट ज़ीरो टू टू पाई बाई थ्री, और यहाँ पर टू को कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगी डी थीटा, और इससे ऐसा भी कर सकते हैं हाफ एंगल में वैल्यू रखें ताकि थीटा थीटा सॉरी वन से वन कैंसिल हो जाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हाफ एंगल में वैल्यू रख देंगे। ज़ीरो टू टू पाई बाई थ्री स्क्वायर रूट टू वन लिखने के बाद कॉस की ऐसी वैल्यू रखेंगे वन से वन कैंसिल हो जाए, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग ब्रेकेट ओपन करेंगे वन माइनस का हो जाएगा प्लस वन को कैंसिल कर देगा। ए लिमिट ज़ीरो टू टू पाई बाई थ्री स्क्वायर रूट टू इंटू और उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बचेगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, स्क्वायर रूट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और बाद में लिख दीजिए डी थीटा। ये टू भी दो बार हैं तो एक बार बाहर हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर हट के स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों से, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे टू साइन थीटा बाई टू। तो वैल्यू बची है, अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख रहे हैं लेंथ को आर्क की, ज़ीरो टू टू पाई बाई थ्री टू साइन थीटा बाई टू डी थीटा,
और हम लोग टू देख रहे हैं कॉन्स्टेंट है इन टू में है तो बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन सिर्फ करना होगा हमको साइन थीटा बाई टू का, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, अब यहाँ पर जो भी एंगल में है वो लिख दीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे थीटा का जो कोएफिशिएंट है 1/2 है, यानी 1 का इनटू मान सकते हैं थीटा में अपान 2, तो इतने से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1/2 से डिवाइड करने पड़ेगा। जो लिमिट है वो लिख दें 0 से 2π/3। इस माइनस को बाहर ले लेंगे, साथ में ये कॉन्स्टेंट ऐसे भी बाहर ले लें, तो माइनस बाहर ले लिया और 2a तो था हमारे पास, और हमने यहाँ से 1/2 को भी बाहर निकाल दिया क्योंकि लिमिट सिर्फ लगेगी कॉस थीटा बाई 2 पर 0 से 2π/3। ये डबल अपान में है 2, तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2a में 2 का, 1 से डिवाइड हो ही रहा है। यहाँ पर अपर लिमिट यानी जहाँ पर भी हमको मिलेगा थीटा, वहाँ पर थीटा की जगह पर रख देंगे 2π/3, लेकिन अपान में चल रहा पहले से 2, तो ये इतना हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट यानी कॉस, जहाँ पर थीटा मिलेगा वहाँ पर लोअर लिमिट थीटा की जगह पर 0 रखना होगी, 0/2 कर दिया, ये वैल्यू हो गई माइनस के 4a, और ये वैल्यू हो जाएगी कॉस 2 से 2 पर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई 3 हो गई। माइनस 0 से डिवाइड करेंगे कॉस 0, कॉस पाई बाई 3 मतलब होता है कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से जो डिफरेंस आया है वो हम लोगों को पता चल चुका है कि माइनस 1/2 आया, जैसे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू जो आई है वो प्लस का 2a के बराबर आई है। जबकि हम लोग जानते हैं कि होल लेंथ ऑफ कार्डियाइड जो होती है वो 8 ही होती है, मीन्स जो इनिशियल लाइन होती है उसके ऊपर आधी हो जाएगी, और चूँकि सिमेट्रिकल होता है थीटा इक्वल टू 0 के लॉन्ग, यानी इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0 के लॉन्ग, ये हमारा जो कार्डियाइड अभी बनाया था शुरू में या ये, तो ये जितना ऊपर लेंथ होती है उतना नीचे है। हमारा सिमेट्रिकल नहीं बन पाया है, लेकिन ये सिमेट्रिकल होता है, जितनी ऊपर लेंथ होती है उतनी नीचे होती है, और टोटल लेंथ होती है 8a, तो 8a होगी तो ऊपर ये वाली लेंथ जो होगी वो 4a हो गई यहाँ पर, और 4a में से हमने देखा अभी कि ये वैल्यू यहाँ पर यानी थीटा इक्वल टू पी पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक थीटा इक्वल टू 2π/3 तक लेंथ निकाली तो वो 2a होगी, तो 2a ये होगी और 4a टोटल है, तो ये बीच बची हुई अपर वाली जो लेंथ है वो 2a, तो इस तरीके से ये मिड पॉइंट हो गया क्योंकि इसके इस तरफ भी अपर पोर्शन में इसकी लेंथ 2a है और इधर भी 2a है, तो इस तरीके से हमारा हो गया। इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो कह सकते हैं व्हाट द होल लेंथ ऑफ द अपर हाफ ऑफ द कार्डियाइड इज 4a, हैंस थीटा इज इक्वल टू 2π/3 बाइसेक्ट्स द अपर हाफ ऑफ द कर्व, कर्व के अपर आपको ये बाइसेक्ट करेगा, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, इतना हमारा हो गया। ये इस लैंग्वेज को अगर आप ना लिखना चाहें और इस लेंथ को फाइंड करना चाहें तो सिर्फ आपको लिमिट ही चेंज करना होगी, बाकी तो आप कैलकुलेशन कर ही गया है, क्योंकि कर्व भी वही रहना है और लेंथ निकालना है, फार्मूला वही रहना है, वैल्यू पुट करेंगे सारा कैलकुलेशन, सिर्फ लास्ट में हमको लिमिट जो होगी वो चेंज करना होगी, तो उससे भी हम करके दिखा दे रहे हैं। हालांकि आप इस लैंग्वेज को लिख देंगे तो सवाल यहाँ पर कंप्लीट, अगर आप उससे इसे ना करना चाहें ये लैंग्वेज हटाना चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हटाने के बाद आप जो है इसको कंटिन्यू इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी बची हुई लेंथ इसका नाम पीछे हमने ए पॉइंट दिया था, तो ये आर्क पी ए हो जाएगी, तो आर्क अगर आप पी ए निकालना चाहें जो अपर हाफ की जो थीटा इज इक्वल टू
पाई बाई टू के इस तरफ है यानी लेफ़्ट साइड, उसको निकालना चाहें तो वहाँ पर शुरुआत हो रही है इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से थीटा इज इक्वल टू 2π/3 पर, जो हमारा ओरिजिनल फिगर थे वो ये है 2π/3 इसके यहाँ से लेके वो ख़त्म हो रहा है थीटा इज इक्वल टू पाई पर। तो इसकी लिमिट जो होगी थीटा अपर लिमिट पाई हो जाएगी, दो अपर लिमिट है 2π/3 अपर लिमिट पाई। बाकी इसे और फार्मूला जो है वही रहना है, यानी फार्मूला तो लिख दे रहे हैं हम लेकिन डायरेक्ट फिर वैल्यू वहाँ पर रख देंगे। फार्मूला वही है पीछे लिखा था, यानी स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर डी थीटा, क्योंकि ये सारी वैल्यू को सॉल्व किया था हमने यहाँ पर पीछे, बस लिमिट चेंज है, बाकी सारी वैल्यू को सॉल्व किया। देखिए ये सॉल्व करने के बाद यहाँ से शुरुआत की थी, यही फार्मूला लिखा अभी, और उसमें यही वैल्यू डालेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद इंटीग्रेट भी हो जाएगा, इंटीग्रेट होने के बाद ये वैल्यू आएगी, बस इसमें लिमिट को हमें चेंज कर देना है। तो ये वैल्यू लिखी हुई है वही नोट कर ले दें, माइनस का 2a/1/2 ये थी लिमिट के इंटीग्रेशन के बाद, और कॉस आ गया था θ/2, और उसमें फिर लिमिट आपकी शुरुआत हो रही 2π/3 से और ख़त्म हो रहा है पाई पर, तो अपर लिमिट मैंने लोअर लिमिट करना होगा। इसमें देखिए 2 में 2 को बजा के इनटू हो जाएगा उसी तरीके से जैसे कि पीछे कर चुके हैं, माइनस का 2a पहले से था 2 को बजा के इनटू हो गया, अपान में 1 है, कॉस जहाँ पर भी हमें मिलेगा थीटा वहाँ पर रख देंगे पाई, तो ये कॉस π/2 हो जाएगा, माइनस कॉस और 2π/3 और 2 पहले से मौजूद है अपान में, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4a, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस π/3 हो गया, और कॉस 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितने के बराबर होती है, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 4 कैंसिल 2 से तो 2a आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि हमने आर्क निकाली अपर हाफ की, जो थीटा से लेके थीटा इज इक्वल टू 2π/3 तक है उसकी लेंथ, यानी देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 2π/3 इज इक्वल टू the length of the arc from theta is equal to 2π/3 to theta is equal to pi। तो ये लेंथ हमने इसके इक्वल और ये वाली 2a और ये वाली 2a प्रूव करके दिखा दें यहाँ पर, तो इतनी लिख दी। तो लास्ट में हम फिर दोबारा से वही लाइन लिख देंगे कि हैंस थीटा इज इक्वल टू 2π/3 बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स दी अपर हाफ ऑफ दी कर्व। तो बस आपको अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो आप इतने पोर्शन को जो है वो छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग, वाकरुद दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।